पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मैंने ना पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने कहा है आज और कल ग्रहण है, तो अस्थि विसर्जन श्राद्ध समय चौथे के दिन करेंगे। गलत चाबी गोल वाली लगा बेटा। तो फिर पापा आप ही लगा लो। पापा। आ, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरी यूवी मेरी पापा मेरी आइसक्रीम कहाँ है? बेटा आइसक्रीम हमेशा कहाँ रहती है? फ्रिज में। हाँ तो फ्रिज में ही है ना। ईशा ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे। पापा की कुकिंग एक चैनल शुरू करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, देखना गारंटेड हिट होगा। पापा के मटर पनीर में पहले से इतना नमक होता है, हम भी रोएंगे तो हो गया फिर। किसी हाँ, चीज की जरूरत हो तो हाँ, बताइएगा। नमस्ते। आप कल का खाना हम ले आएंगे। नमस्ते। माँ लाइए, मैं इसको अंदर रख देता हूं। अब 3 दिन खाना तो पकेगा नहीं ना, तो बस इसलिए शुक्रिया आंटी। आप एकदम सही कह रहे हैं कार्तिक भैया, दीदी के भुलक्कड़पन को पापा ही झेल सकते थे, अब हमें झेलना पड़ेगा। आपको पता है पापा ने एक बार पिकनिक प्लान की थी और हाँ बता दे कि मैं खाना घर पर भूलकर आ गई थी, फिर सबने कितनी हाय तौबा मचाई थी, कितना सुनाया था मुझे, और फिर मस्त में जाके डिक्की खोली और थैलियां निकाली और क्या कहा था, तो फिर ये कौन लेके आया है ना? क्योंकि पापा मार्केट से खाना पैक करवाकर पहले से ही गाड़ी में रखकर लेकर आए थे। क्योंकि उनको पता था ना युविका दी कुछ ना कुछ पक्का भूल के आएंगी। पापा के भुलक्कड़ युविका के किस्सों की कहानी लिखने वाले थे पापा, अब हम लोगों को ही लिखनी पड़ेगी ना, तो फिर किस्सों को याद करते रहते हैं और लिखते रहते हैं।
भूमि जी, वो मैं एक बात कहिए। देखिए ना, जाने वाले चले जाते हैं और जो रह जाते हैं उनकी सजा होती है, उन्हें फिर भी जीना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बताइए, आप क्या कह रही थी? मैं बस कार्तिक और युविका के बारे में बात करना चाहती थी। कार्तिक को एक बहुत अच्छा जॉब का ऑफर आया है कनाडा से, लेकिन वो मना कर रहा है, कहता है कि युविका को छोड़कर नहीं जाएगा। और अगर बात ऐसी है तो मैं ये नहीं कह रही कि अभी फौरन, जब आपको ठीक लगे तो हम इनकी शादी के बारे में सोच सकते हैं। युवी, युवी, शिवी, I'm sorry यार, तुम्हें तो पता है ना माँ कैसी हैं, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कह देती हैं। माँ ने कुछ गलत नहीं कहा कार्तिक, तुमने कनाडा का जॉब ऑफर मना क्यों किया? तुम कब से ये चाहते थे ना, अब जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तुम्हें नहीं पता मैंने क्यों मना किया? ठीक है, तुम भी कह लो मुझे स्टूपिड। और हाँ यूवी, मैंने कनाडा का जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उस दिन जब एयरपोर्ट पे उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक के ये कहा था कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आप फैमिली नहीं है, यूवी, मुझे उस दिन रियलाइज हुआ था कि शायद इस रिलेशनशिप में ना मैं अकेला ही हूं जो हम दोनों को एक फैमिली देखना चाहता है। क्योंकि अगर उस दिन हमारे रिश्ते का कोई नाम होता नहीं हुई तो हमें कोई नहीं रोक सकता था। तुम तो चली गई और मैं ना यहां बैठ के सोचता रहा कि युवी कैसी होगी, क्या कर रही होगी, ठीक होगी या नहीं होगी। और युवी, अगर तुमने पापा को खोया है ना तो मैंने भी खोया है। सॉरी, ये सब भूल जाओ। आई अंडरस्टैंड कि तुम पे इस वक्त क्या बीत रही है। नहीं समझ सकते हो तुम कार्तिक, नहीं समझ सकते हो तुम। पापा के बिना भी मुझे इस दुनिया को देखना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे मन में क्या चल रहा ना, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। वहां दो दिन से मम्मी सोई नहीं है, ईशा खाना नहीं खा रही है, अर्जुन बस गिल्ट में बैठा रहता है चुपचाप। और मैं दो दिन पहले तक नागर थी और अब मैं महाजन हूँ और मैं महाजन बनना भी नहीं चाहती हूँ। दो दिन में मेरी जिंदगी ऐसी उलट गई है ना, घर वापस आ गई हूँ, पता नहीं फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ है जो बाकी है। कुछ डर है मुझ में, कुछ सरप्राइज बाकी है। मम्मी, युविका, तेरे साथ यहाँ पर आज बैठकर बहुत अजीब लग रहा है। जब तू और पापा यहाँ बैठकर बातें करते थे ना तो मैं बहुत जेलस फील करती थी। जब तू छोटी थी ना, देखो जब मैं हॉस्पिटल से घर लेकर आई थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं देखो किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी,
पापा के साथ भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे तू बड़ी होती गई तो पापा जैसी बनती गई। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।